उमेश पाल मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। अतीक अहमद ही निकला उमेश पाल का गुनहगार। डॉन ने जेल में बैठकर रची थी हत्या की साजिश। प्रयागराज में जिस तरह उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने सबके होश उड़ा दिए। दिन दहाड़े इस तरह गोलियों और बम की बौछारों ने सबको हिला कर रख दिया। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या हम सुरक्षित हैं या फिर हम भी किसी का निशाना है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में पता चला था कि उमेश पाल की हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद शामिल था। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे कांड की जिम्मेदारी यानी साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद माफिया डॉन अतीक अहमद ही था। अतीक अहमद ने ही जेल में बैठकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी, जिसकी जिम्मेदारी उसने अपने बेटे असद को सौंपी थी। FIR के अनुसार अतीक के एक बेटे और उसके साथियों को मुख्य आरोपित, जबकि अन्य को साजिशकर्ता बनाया गया है। अब तक अतीक के बेटे समेत 20 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। अतीक का बेटा असद पुलिस की पकड़ से दूर है, उसे ही इस शूटआउट का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड बेटा नहीं बल्कि बाप निकला। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए महज 10 दिनों में प्लान बनाया गया था। साथ ही वारदात में मदद करने वालों के नाम भी खुद अतीक ने बताए थे। अतीक ने इन्हें चेताया भी था कि किसी भी हाल में यह वारदात सटीक होनी चाहिए। इसके लिए पेशेवर लोगों से उमेश की रैकी कराई गई। उमेश पाल की हत्या की साजिश गुजरात की साबरमती जेल में रची गई। माफिया डॉन अतीक अहमद पूरे कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने FIR में भी अतीक अहमद को नामजद किया है। अब प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल जाकर अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही 167 CRPC के तहत कोर्ट से रिमांड लेगी। जानकारी के अनुसार पुलिस मजिस्ट्रेट से वारंट इश्यू करवाएगी और अतीक अहमद को प्रयागराज लाएगी। लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहुबली अतीक की जेल को बदला गया था और देवरिया से साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने चकिया स्थित घर के पास स्थित खाली प्लॉट से काले रंग की क्रेटा कार मिली है। उस कार का नंबर बदला हुआ था, मतलब साफ है कि कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। अब उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर के जरिए मालिक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए हैं। यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक का भाई अशरफ, अतीक का करीबी गुड्डू मुस्लिम, अतीक का सहयोगी गुलाम, अतीक अहमद का बेटा अली असद उमर समेत 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।